हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है आपके साथ मैं रचना बंसल हम महिलाएं खास शो महिलाओं पर ही बेस्ड है महिलाओं से ही बातें होती है महिलाएं जो कि सृष्टि की जननी कही जाती हैं लेकिन आजकल कुछ समस्याएं हैं जो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं जिसमें कंसीव ना करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है और अलग अलग रीजन है वो रीज़न क्या हो सकते हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है इन सभी सवालों का जवाब आज हम जानेंगे हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं और देश की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जानी जाती हैं डॉक्टर गौरी अग्रवाल हमारे साथ में हैं डॉक्टर कृति तिवारी हमारे साथ में है डॉक्टर गौरी मैंने आपके बहुत से वीडियोस भी देखे हैं और जब बॉस ने कहा कि डॉक्टर गौरी का इंटरव्यू लीजिए तो खासियत ये थी कि आप बहुत खुलकर बात करती हैं भले ही वो मेल की बातें हैं या फीमेल की बातें हैं तो मैं चाहूंगी खुलकर ही आज आप बात करें ऑडियंस भी साथ में मौजूद है जो आपसे खुलकर ही आज सवाल भी करने वाली है मैं सबसे, पहले हूं, <laughs> सबसे पहले सकती डेफिनेटली आई विल ट्राई दस बीस साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी hmm. लेकिन आज कंसीव ना करना फीमेल्स को बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा है सो so, uh, रचना मुझे ना वो स्टार्ट नहीं करना रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी फोर फाइव आई वॉन्ट टू टॉक की जब पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं उनके पास एक पूरी फाइल होती है उन्होंने सारे डॉक्टर्स को दिखाया होता है सारे एटलीस्ट फीमेल के पचास अल्ट्रासाउंड होते हैं एंड दे हैव इतनी सारी मॉनिटरिंग करके इतनी बार दवाइयाँ खा के एंड स्टिल वो कहते हैं बेबी नहीं हो रहा बट उन रिपोर्ट्स में एक रिपोर्ट मिसिंग होती है और वो होती है शुक्राणु का टेस्ट स्पर्म अनालिसिस क्योंकि आई थिंक uh, जब हम जाते हैं दिखाने तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेल टेस्टिंग सबसे लास्ट में होती है एंड आजकल 50 परसेंट फीमेल प्रॉब्लम्स हैं 50 परसेंट मेल प्रॉब्लम्स हैं सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको एक साल शादी के हो गए हैं आप ट्राई कर रहे हैं और आपको बच्चा नहीं हो रहा है ना मेल और फीमेल्स की दोनों की टेस्टिंग मैंडेटरी है आपको दोनों के टेस्ट कराने ज़रूरी हैं एंड वो एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हम फीमेल्स को टॉर्चर होता रहता है वो दवाई खाए जा रही हैं एग्स बने जा रहे हैं उनके सिस्ट बन रहे हैं उस चक्कर में लेकिन स्पर्म टेस्टिंग नहीं होती है सो hmm. so, वो एक बहुत बड़ा कारण है जो हमें एक्चुअली करना पड़ेगा सॉल्व सेकेंड थिंग इज डेफिनेटली आप सबको ही पता है हम सब कितने स्ट्रेस में एवरी बडी इज वर्किंग हम शाम को नौ बजे तक काम कर रहे हैं इतना प्यर प्रेशर है देर इज सो मच ऑफ एनवायरमेंटल इशूज पेस्टिसाइड्स हैं ब्लूटूथ है वाइब्रेशन हैं एंड देन लेट मैरिजेस जो बहुत बड़ा फैक्टर है hmm. uh, हम शादी नहीं करना चाहते और एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग भी नहीं कराते हैं सो so वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है सो hmm. so, एक्चुअली विद दिस दिसल तो डेफिनेटली बहुत सारे हैं के अच्छा ये बताइए कि आपने कहा एक साल तक ट्राई कर रहे हैं नहीं बेबी हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है लेकिन ये प्रॉब्लम्स पहले नहीं आती थी अभी टाइम के साथ आ रही हैं स्ट्रेस एक रीजन हो सकता है क्या खान पान भी एक रीजन है क्या ये जो रूटीन हमारा गड़बड़ाता है देर रात तक जाग रहे हैं फिर सुबह देर तक सो रहे हैं ये भी एक रीजन हो सकता है या फिर बस बड़े यूं ही प्रेशर डालने के लिए बोलते हैं नहीं नहीं बड़े प्रेशर नहीं करते हैं और जब हमारी अब लेट शादियां हो रही हैं थर्टी इयर्स पे हम सोचते हैं हम आके बच्चा कराएं hmm. और हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे एग्स एग्सर ट्वेंटी अगर आप प्लान कर रहे हैं आपको शादी लेट करनी है तो आप प्लीज अपना एग और स्पर्म फ्रीजिंग कराइए क्योंकि अगर आपके एग्स और स्पर्म्स फ्रोजन है हमारे पास तो हमको ये पता है कि अगर आप लेट भी आ रहे हो तो हम आपका एटलीस्ट आईवीएफ के द्वारा बच्चा करा सकते हैं एंड एट थर्टी विथ सो मच स्ट्रेस लेट वर्किंग आवर्स खान पान लाइफ स्टाइल नो फिटनेस इन सब की वजह से एक्चुअली हमारा कम हो जाता है डॉक्टर गौरी चूंकि अभी ये जो शो है इससे करोड़ों व्यूअर्स जुड़े होंगे और मुझे लगता है गांव के लोग भी देख रहे होंगे छोटे शहरों के लोग भी देख रहे होंगे आईवीएफ तो हर जगह है नहीं।, नहीं अब अगर कोई छोटे शहर का शख्स ये सोचे यानी कि कपल ये सोचे कि भाई जाते हैं जांच कराने तो फिर वो सोचेगा ठहरेंगे कहाँ डॉक्टर के यहाँ टाइम कितना लगेगा तो जो ऐसे कपल हैं जो इस परेशानी को झेल रहे हैं वो अगर ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराते हैं तो क्या ये हैंड टू हैंड सब कुछ हो जाता है या फिर इसमें टाइम लगता है सिक व्हाइट बोर्ड में हो सकता है हां हां हाँ, बिल्कुल ये ओवरीज है जहाँ अंडे बनते हैं और ये यूट्रस की अंदर की लाइन है यानी कि कैविटी एंडोमेट्रियल कैविटी जिसमें बेबी स्टिक होता है सो हम आईवीएफ में क्या करते हैं फीमेल को सेकेंड डे उसके पीरियड से दस दिन के इंजेक्शनस देते हैं जिससे उसकी दोनों ओवरी में एग्स बनते हैं इस प्रोसेस के लिए फीमेल को 10 दिन क्लिनिक पे नहीं रुकना है हम उनको इंजेक्शन पैक करके दे देते हैं चार दिन के या पांच दिन के और उनको फिर बुलाते हैं अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि एक्स और फॉलिकल्स कैसे ग्रो हो रहे हैं जब ये फॉलिकल्स 18 टू 20 एम mm के हो जाते हैं तो हम उनको पाँच मिनट बेहोश करके बस बेहोश करते हैं पाँच मिनट और अल्ट्रासाउंड नीचे से डाल के एक नीडल के द्वारा ये फॉलिकल्स को एस्परेट कर लेते हैं बाहर hmm. इनका फ्लूड और एग एक, एक ट्यूब में आता है और उससे एग हम लैब में निकाल लेते हैं ठीक है। उसी दिन हम husband को बोलते हैं हजबेट करके स्पर्म्स लेते हैं hmm. इन स्पर्म्स को हम इन एक्स के अंदर इंसेमिनेट करते हैं जिसको हम एक्सी या आईवीएफ बोलते हैं और इससे हमारे बेबीज क्रिएट हो जाते हैं इन एम्ब्रियोस को पाँच दिन के बाद हम इस यूट्रस में नीचे से यहां डाल देते हैं सो इसमें चांसेस हो सकती हैं या तो सिंगल प्रेगनेंसी हो ट्विन्स हो या ट्रिपलेट्स हो अच्छा सो so, इस प्रोसीजर के लिए कपल को पूरा टाइम अस्पताल में रुकने की ज़रूरत नहीं होती है उनकी मुश्किल से चार से पाँच विजिट होती हैं जिसमें उनको आना है दिखाना है और वो वापस अपने घर जा सकते हैं सो इट्स प्रिकॉशंस होंगे होंगे जो ध्यान रखने सो जब हम ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं एक तो हम पेशेंट को बोलते हैं प्लीज स्ट्रेस मत लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर आप ट्रीटमेंट कराओगे और अपने डॉक्टर पे विश्वास रखोगे कि वो करके देगी आपका डेफिनेटली होगा सेकेंड थिंग इज कि हम बोलते हैं खाए प्रोटीन डाइट भी लो हम लोग सोचते हैं घी खा लो लड्डू खा लो चावल खा लो इट डजेंट वर्क लाइक दैट हमें प्रोटीन डाइट ज्यादा खानी होती है सो प्रोटीन डाइट से हमारी एग का काउंट बेटर होता है हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वॉकिंग करो विच इज वेरी वेरी गुड और अपने आप को क्लीन रखो चेंजिंग अंडर गार्मेंट्स मॉर्निंग इवनिंग बहुत जरूरी है बिकॉज आपको अपने आप को रिप्रोडक्टिव इंफेक्शन से भी बचाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है hmm. रेस्ट ऐसा कोई मेजर प्रिकॉशन नहीं है जो आई के द्वारा लेना होता है देर इज नो बेड रेस्ट इन आई ये इंडिया है और इंडिया में जो जैसे ब्लड सैंपल रिपोर्ट और तमाम रिपोर्ट्स चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं और पता ही नहीं लगता किसकी रिपोर्ट किस में है कोरोना में भी कई बार ऐसा हुआ तमाम तो ये जो आप तो सुरक्षित रहेंगे तो ये कैसे होगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि मेरे को हर आदमी आ जाके पूछता है वो मूवी देखने के बाद वो करीना की कौन सी मूवी आई थी गुड न्यूज मैडम बच्चा बदल तो नहीं जाएगा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है सो so, मेरा ये कंसर्न है कि देखो अगर आप एक एथेंटिक क्लिनिक पर हो आजकल एक विटनेसिंग सिस्टम आ गया है विटनेसिंग सिस्टम एक सिस्टम है जो हम लैब में यूज करते हैं जिसमें आपका एग और हस्बैंड के स्पर्म की टैगिंग हो जाती है सो so, अगर कहीं भी मैनुअल एरर हो रहा होगा तो उसमें अलार्म होता है वो नहीं हो सकता दूसरी बात है प्रॉपर टैगिंग प्रॉपर कोडिंग ये सब होता है क्लिनिक्स पे आजकल आई क्लिनिक्स पे रेस्ट जब आपके एम्ब्रियोस फ्रीज करके हम रखते हैं सो हम आपको जिस स्ट्रॉ में फ्रीज करते हैं और कैनिस्टर में डालते हैं उसका स्ट्रॉ नंबर फोटोग्राफ ग्रेडिंग एंड वो पूरा कैन का नंबर आपको सब मिलता है जैसे आपको आप ज्वेलरी खरीदने जाते हो अपने डायमंड की तो आपको एक गारंटी कार्ड मिलता है ना कि रिटर्न पे ये मिलेगा वैसे ही आपको एम्ब्रियो पे कार्ड मिलता है ये बैंक का लॉकर समझ लीजिए हाँ ये <laughs> आपके एक्चुअली बेबीज का लॉकर है जिसमें आप ये आराम से अपना सिस्टम लॉक करा सकते हो अच्छा यहाँ भी मेरा सवाल है अगर ये सभी कोशिशें फिर से फेल हो जाए तो क्या ऐसा होता है कि जो हमने विकी डोनर में देखा था कि भाई नहीं हो रहा है खुद से आ, स्पर्म काउंट उतना नहीं है या कहीं बाहर से ये हम ले सकते हैं ऐसा होता है सो हाँ, so बहुत सारे केसेस में होता है कि अगर आपका एग क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हम आपके एग्स बना ही नहीं पा रहे हैं तो हम देखुण, देखुण, मेल फीमेल दोनों का दोनों के लिए हो सकता है हम डोनर एग्स या डोनर स्पर्म पे जा सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू रिसेंट ए गाइडलाइंस एआरटी बैंक्स बने हुए हैं हुँ. जिनके थ्रू आपको ये डोनर एग्स और डोनर स्पर्म्स सप्लाई होते हैं और आप उनके थ्रू लेकर पेशेंट को हेल्प uh, कर सकते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आपका स्पर्म काउंट जीरो है जो एक्चुअली मेरे पास टेन टू ट्वेंटी परसेंट कपल्स लेकर आते हैं रिपोर्ट स्पर्म काउंट इज जीरो स्पर्म है ही नहीं उन केस में क्या करो? और ऐसा होता क्यों है बहुत सी चीजें हैं स्ट्रेस है आप फोन रख रहे हो पॉकेट में लैपटॉप यूज कर रहे हो प्योर प्रेशर है जेनेटिक्स है बहुत सारे फैक्टर्स हैं आजकल और जितने भी मेल बैठे हैं या, या सुन लें ध्यान से पॉकेट में फोन exactly. या, या आ, आप गोदी में जो लैपटॉप रखते हैं वो भी बहुत हार्मफुल है और अपने आप को क्लीन रखना भी बहुत जरूरी है हम लोग पढ़ते हैं वुमेन को बचाओ यूरिनरी इन्फेक्शन से रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन से बट मेन को भी अपने आप को क्लीन रखना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर मैन को भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वो पीछे जाके उनकी ट्यूब्स को ब्लॉक करेगा जो स्पर्म को बाहर निकालता है सो so वो बहुत बड़ा फैक्टर है एक अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या एक मात्र ऑप्शन है आईवीएफ या फिर उसके अलावा भी कुछ है जो आप सजेस्ट करते हैं जी नहीं आईवीएफ वी एक मात्र ऑप्शन नहीं है आईवीएफ उनमें सजेस्ट किया जाता है जिनमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो अदरवाइज नेचुरल तरीके भी हैं जो हम अपना सकते हैं यदि आपकी एज पैंतीस से कम है और आपकी शादी को दो तीन साल हुए हैं प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो हम नॉर्मल कपल की जाँचें कराते हैं उसमें एक सीमन एनालिसिस होता है अल्ट्रासाउंड करके या ब्लड से एक ए लेवल चेक करके उसकी एग्स देख सकते हैं फीमेल के कि उनमें एग क्वालिटी या क्वांटिटी ठीक है या नहीं साथ ही एक ट्यूबल पिटेंसी का टेस्ट होता है जिसमें यह पता चलता है कि महिला की दोनों फेलोपियन ट्यूब्स जिसमें बच्चा बनता है एक्चुअली में वो खुली है या नहीं उसमें से कम से कम एक ट्यूब खुली होनी चाहिए यदि एक ट्यूब खुली है और हर महीने उसको पीरियड आ रहा है रेगुलरली अंडा बन रहा है स्पर्म टेस्ट भी नॉर्मल आया है तो फिर हम नेचुरल तरीके से उसको एग बनने की दवाइयाँ दे सकते हैं अंडा जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड द्वारा या किट्स द्वारा ओवोलेशन किट्स भी आती हैं जो कि फ़ीमेल्स घर में ही यूज़ कर सकती हैं और देख सकती हैं कि उनका ओविलेशन किस टाइम पे हो रहा है और वो उस टाइम पे नेचुरल संबंध भी बना सकती हैं क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारा फर्टाइल पीरियड क्या है कौन सी विंडो में हमें कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी होती है या फिर आप हमारी सहायता लेके अल्ट्रासाउंड में भी ये मॉनिटर करवा सकते हैं कि अंडा कब तैयार है उसको फोड़ने के लिए हम एक इंजेक्शन भी दे सकते हैं ताकि वो हम देख सकें कि वो फूट गया है और उसके बाद हम स्पर्म्स अगर थोड़ा बहुत मोर्लिटी में कुछ कमी है स्पर्म्स के या शेप में थोड़ा बहुत एक दो परसेंट अब ज्यादा है तो हम उसको वॉश करके आईयूआई भी कर सकते हैं जिसमें हम स्पर्म को यूट्रस के अंदर छोड़ देते हैं ताकि वो उसको डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़े और वो ट्यूब में जाके एग से मिलके नेचुरली भी प्रेगनेंसी दे सके तो ये कुछ नेचुरल तरीके भी होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं कि आईवीएफ को लेकर गांव देहात में छोटे शहरों में या कस्बों में काफी लोग भ्रमित हैं कि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं तो किस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं जिससे लोगों को पता चले कि इसके साइड इफेक्ट वाकई नुकसानदेह होते हैं या लोगों में किस तरह की जो भ्रमित करने वाली बातें जो आमतौर से हैं वो किस तरह की बा बातें हो सकती हैं आई के बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं जैसे कि पूरे नौ महीने बेड पे ही लेटे रहना पड़ेगा बिल्कुल हिल नहीं सकते काम नहीं कर सकते ये तो सबसे बड़ा मिथ है दूसरा मिथ है कि अगर ऑफिस गोइंग है तो आप बिल्कुल ऑफिस नहीं जा सकते आपको घर में ही रहना है घर का भी कोई काम नहीं करना है तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है आई में आई के बाद आपको तुरंत ही उठा दिया जाता है ऐसा नहीं है कि आपको बेड रेस्ट चाहिए आप अपना नॉर्मल रूटीन वर्क सारा कर सकते हैं ऑफिस जा सकते हैं घर का भी काम कर सकते हैं बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको हैवी एक्सरसाइजेज़ नहीं करनी है स्टर्नस एक्सरसाइजेज़ नहीं करनी है भारी वज़न नहीं उठाना है और अपना जो वर्कआउट्स है जिमिंग है ये सब तो शायद नॉर्मल नॉर्मल प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में में भी भी होता होता है है मुझे वो है में भी है। होता है। सेम चीजें हैं।, हैं तो वही आपको फॉलो करनी है दूसरा बड़ा मिथ होता है कि आपको खाने पीने में बहुत रिस्ट्रिक्शन है ये खाना गर्म है ये खाना ठंडा है आप ये नहीं खा सकते आप ये फल नहीं खा सकते तो ये भी सबसे बड़ा मिथ है ऐसा कुछ नहीं है आप सारे फल खा सकते हैं बस एक कच्चा पपीता है जो आपको नहीं खाना चाहिए उसमें अबोटिफिशेंट होता है यानी कि वो गर्भ को गिराने की क्षमता रखता है तो वो नहीं खाना है उसके अलावा सारे प्रकार के फल आप ले सकते हैं ड्राई फ्रूट आप रात भर सोख करके ले सकते हैं खाने पीने में वेज हो या नॉन वेज हो आप दोनों ले सकते हैं आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो घर में पका हुआ होना चाहिए बाहर का खाना नहीं खाना है जिसमें रॉ चीज़ें हैं सलाड है वो आपको बाहर का नहीं लेना है क्योंकि अगर आप आई के द्वारा प्रेगनेंट होते हो तो इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है और इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ ज़्यादा नहीं दी जाती प्रेगनेंट महिलाओं को तो बस ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अदरवाइज केयर वाइज जो आप नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप केयर करते हो वही आपकी आईवीएफ में भी होती है कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस या एक्स्ट्रा केयर नहीं होती है मेरा ये सवाल है दो सवाल है मेरे पहला सवाल ये है कि क्या आईवीएफ के जरिए हम ये पहले से पता कर सकते हैं कि बेबी होगा या लड़का होगा या लड़की होगा एक सवाल और दूसरा ये कि जैसे बच्चे होते हैं नौ महीने अमूम होता है कभी सात महीने में होता है ऐसे केसेस आते हैं कभी आठ महीने में हो जाता है तो ये कितना टाइम क्या मतलब बॉडी पर फीमेल की बॉडी पर निर्भर करता है कि बेबी आठ महीने में होगा नौ महीने में होगा जल्दी होगा प्री मेच्योर डिलीवरी होगी कई ऐसे इश्यूज भी तो नहीं होते देखिए आईवीएफ में जनरली ऐसा सिंगल प्रेगनेंसी ही हमारा एम होता है कि हम एक बच्चा ट्रांसफ़र करें और वो जेनेटिकली हेल्दी बच्चा ट्रांसफ़र करें ताकि सिंगल प्रेगनेंसी ही हो जिसमें कि औरतों को कॉम्प्लिकेशंस कम हो क्योंकि जितने ज़्यादा बेबीज डालेंगे जितने ज़्यादा प्रेगनेंसी होगी ट्विन्स होंगे ट्रिपलेट्स होंगे उतना ज़्यादा रिस्क होता है कि बच्चा टाइम से थोड़ा पहले होगा या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन जैसे बीपी होना शुगर होना ये सब हो सकता है अगर औरतों की एज भी अगर ज्यादा है पैंतीस से ज्यादा है तो कोशिश हमारी यही होती है कि हम एक सिंगल बच्चा डालें जो कि हेल्दी हो ताकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन कम हो लेकिन जो आपका सवाल है कि आई प्रेगनेंसी में ऐसा ज्यादा रिस्क है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से औरतों में जल्दी लेबर शुरू हो जाता है या जल्दी पानी छूट जाता है तो वैसा आईवीएफ में भी होता है और सेम इंसिडेंस है ऐसा नहीं है कि उसमें ज्यादा है दूसरी चीज जो आपने पूछी कि आईवीएफ में ऐसा पता चल सकता है कि लड़का है या लड़की है तो ऐसा भी नहीं होता है सारे एम्ब्रिय तो नहीं बताते, है वो एक बताते, जैसे बताते दिखते हैं है। नहीं नहीं है। नहीं नहीं है। नहीं है जो ये पूछने वाले बिल्कुल बहुत डरावना क्वेश्चन है गवर्नमेंट हमें स्ट्रिक्टी बैन करता है हमारा ऑडिट होता है क्यूँकी आप तो एक अच्छा आई वी एफ सेंटर चला रहे आपका बड़ा है लेकिन छोटे शहरों में जो अस्पताल है जहाँ पे जिसे आजकल चल रहा है कि बाल बाल हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है अच्छे अस्पताल भी है छोटे छोटे अस्पताल भी हैं जहाँ लगवा तो लिया लाख रुपए में लेकिन वो झड़ने लगे निकलने लगे ऐसा भी है तो आई बी एस भी ऐसे ही है कि ये अच्छा है ये छोटा है छोटे शहरों में भी छोटे छोटे खोल रखे हैं तमाम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं जिससे वो लड़का करा सकते स्पेशली इंडिया बिकॉज जो सॉफ्टवेयर जो मशीन ये, ये बता तो, सकती है वो हाँ, इंडिया में उसका लाइसेंस ही नहीं है वो सॉफ्टवेयर लॉक्ड आता है ऑन दैट क्रोमोजोम So, अगर आपको कोई भी बोल रहा है ना कि वो आपको लड़का करा सकता है या लड़की करा सकता है वो पॉसिबल ही नहीं है इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल अच्छा तो एक एक सवाल मेरे जहन में है क्योंकि अभी हम आईवीएफ की बातें कर रहे हैं और कंसीव uh, ना होने की बातें कर रहे हैं अच्छा आईवीएफ आपने कहा थर्टी प्लस हैं तो हम आई रेफर करते हैं नॉर्मल एज मेल फीमेल दोनों के लिए क्या है जिसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है खान पान या कुछ एक्सरसाइज या कुछ आपके जरिए बताइए मेडिसिन देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी की कोई एज नहीं है चालीस साल तक क्योंकि सेलिब्रिटीज को देखते है, हैं प्लस में uh, बन रही है अगर आपका खान पान अच्छा है लाइफ अच्छी है तो नॉर्मली भी पहले की औरतें भी चालीस चालीस साल तक प्रेगनेंट होती थी बट उनमें जरूरत है प्रेगनेंसी प्लान करने की यदि आप एक साल से आपको पता है कि आपका टाइम जो जिसमें आपका फर्टिलिटी पीरियड है उसमें आप ट्राई कर रहे हैं एक साल हो गया है आप नहीं कंसीव कर रहे हैं और आप 35 से कम है तो एक साल लिमिट होती है एक साल के बाद आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए यही अगर आप पैंतीस से ऊपर है और अगर आपको छः महीने हो गए हैं ट्राई करते हुए रेगुलरली और आपको नहीं कंसीव हो रहा है तब आपको छः महीने के अंदर ही आपको दिखा लेना चाहिए क्योंकि पैतीस के बाद एग की क्वांटिटी और क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है एंड इवन स्पर्म की सो so, अगर आपकी एज आगे बढ़ रही है तो स्पर्म तो भाई आपको दिखेगा सौ मिलियन है बट क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं रह जाती है ना सो इट इज बेटर कि आप जल्दी अपनी प्रेगनेंसी प्लान करो अच्छा बड़े बूढ़े कहते थे ना शादी होती तो बच्चा शादी जल्दी करो बच्चा जल्दी करो आई I मीन mean, आप काम भी कर सकते हो अपनी शादी बच्चे करते करते ना? क्योंकि आपने बड़े बूढ़ों का जिक्र किया और मनीषा ने एक खबर मुझे बताई थी जिसमें पैंसठ साल की फ़ीमेल थी सत्तर साल के मेल थे और बच्चा हुआ मतलब करिश्मा हुआ मैनो पॉज भी हो जाता है या नहीं पता उनका क्या था ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है सो so, जिन लोगों के पीरियड्स बंद भी हो जाते हैं जैसे 45 इयर्स या 46 इयर्स पे भी तो फिर आप बाहर से एग्स लेकर डोनर एग्स लेकर और हस्बैंड के स्पर्म्स लेके बेबी बना के फीमेल में डाल सकते हैं अच्छा लेकिन ये गांव की खबर है हाँ तो तो वहां पे भी उन्होंने सेंटर ही कराया था जिस पे अच्छा। बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी बिकॉज नया ए आर टी बिल ये पचास से पहले भी एक खबर थी बहुत मतलब पहले जब लॉ नहीं था तब आप लेकिन वो औरत के लिए बहुत रिस्की हो जाता है वो प्रेगनेंसी उनको बहुत कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं इवन डेथ का भी चांस होता है तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बैन लगा दिया है कि पचास साल के ऊपर औरतों को आई की सुविधा ना हो ताकि ऐसी मॉर्टालिटी ना हो औरतों में so, एक सवाल है कि फीमेल्स को ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं पीरियड्स बहुत आगे पीछे होते हैं अमूमन 28 दिन 30 दिन में लेकिन कभी कभी अब डेढ़ महीने डेढ़ महीने आगे हो जाता है कभी एक महीना आगे हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए समा देखिए इंडिया में या स्पेसिफिकली एशिया में अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत औरतों को पीसीओडी की दिक्कत होती है पीसीओडी पीसीओडी की दिक्कत में जो पीसीओडी होता क्या है पीसीओडी मतलब कि ओवरीज में सिस्ट हो जाना अच्छा। औरतों का वजन अगर ज्यादा है या हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स है ये जेनेटिक भी होता है हमारे वजह से भी होता है या अगर आपका वेट बचपन से ही ज्यादा है आप मोटापे के शिकार हैं इन केसेस में भी ओवरीज में जो है एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन काफी ज्यादा मात्रा में होता है जिसकी वजह से वो अंडे दानी में अंडे बनने से रोकता है और अंडे को प्रॉपर ग्रो नहीं होने देता जब अंडा मेच्योर होता है फूटता है और प्रेगनेंसी नहीं आती तभी महिला को महीना आता है अगर अंडा बन ही नहीं रहा है या फूट ही नहीं रहा है तो उसकी साइकिल जो है वो बहुत लंबी चली जाती है एक डेढ़ महीना दो महीना उसको महीना ही नहीं आता क्योंकि अंडा ही नहीं बन रहा बॉडी में तो ये ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। अच्छा रखना है आपको बारे में बता रही है तमाम चीजें आम आदमी कितना खर्च करेगा एक बेबी के लिए उसको कितना तक खर्च करना पड़ेगा मोटा माटी ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें मैं एक्चुअली एक बात बताना चाहती हूँ आई में ना क्लिनिक को भी खर्चा आता है पेशेंट को ऐसा लगता है कि क्लिनिक्स को आईवीएफ का कोई खर्चा नहीं है उनको सिर्फ ऑपरेशन ही तो करना है बट ऐसा नहीं है इसमें ऑपरेशन भी होना है अंडा तो निकालते हैं ना अच्छा। अंडा निकालेंगे स्पर्म अंदर डालेंगे तो स्मॉल एक आईवीएफ ओटी होती है जहाँ पे सारा काम होता है इसमें कोई कट नहीं लगेगा कोई कट है, नहीं है कोई सर्जरी नहीं है कोई बेड रेस्ट नहीं है अब पेशेंट जब आता है तो उसको 10 दिन के इंजेक्शन देते हैं जो उसके पैकेज में है ठीक है ये दस ये जो इंजेक्शन हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी से एग्स बनते हैं सो so, हम क्लिनिक्स तो खैर बहुत अच्छे रिकॉमेंट इंजेक्शन यूज़ करते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है बिकॉज एग अच्छा नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा उसके बाद जब हम एग्स निकालते हैं तो लैब के अंदर पूरा मीडिया सोचिए जो कुदरत यूट्रस के अंदर बच्चा बना रही है वही काम हमको लैब में करना है तो सामान जो इस्तेमाल होता है मीडिया यूज़ होता है मैन पावर है इतनी मशीनरी लगी हुई है उन सब का भी खर्चा है सो so, कहीं ना कहीं जाके आईवीएफ का लगभग डेढ़ से डेढ़ लाख तक खर्चा पड़ता है जिसमें हम सिर्फ हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ का एग्स लेते हैं कंप्लीट पूरा प्रोसेस, प्रोसेस। लेकिन अगर आपको बाहर से एग्स लेने हैं या फिर आपको अपना टीसा यानी टेस्टिकुलर बायोप्सी करानी है जो एडिशनल प्रोसीजर्स हैं या डोनर स्पर्म नहीं पे जाना नहीं, है।, है टीसा मतलब अगर आपका स्पर्म काउंट जीरो है और हमें टेस्टिकुलर बायोप्सी करके स्पर्म्स निकालने हैं तब जैसे ये छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं जो आपकी आईवीएफ प्रोसीजर को सक्सेस रेट बढ़ाएंगे अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा लगता है लेकिन अगर सिर्फ सिंपल आईवीएफ है आपके स्पर्म अपना एग एकदम नॉर्मल आईवीएफ प्रोसीजर है तो उसमें हाँ। का खर्चा अच्छा हाँ। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ बहुत से ऐसे सवाल थे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पूछ लिए हैं आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से उनका जवाब दे दिया है और मुझे इतना समझ आ गया है कि टाइम पर शादी टाइम पर बच्चा अच्छा हेल्दी डाइट एक्सरसाइज और डेली रूटीन अगर अच्छा रखें तो बहुत सी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर गौरी है ही डॉक्टर है ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरी नहीं है और इन प्रॉब्लम से छुटकारा मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी अगर किसी को भी बच्चा करना है और बच्चा नहीं हो रहा है ना सो प्लीज एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलो आई मीन सीरियसली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट उसी नजरिया से देखता है कि आपको बच्चा कराने में ना जल्दी मदद करेगा एंड आप घूमोगे नहीं इधर उधर सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर गौरी डॉक्टर कृति you. आपने एक एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे दिया है मुझे उम्मीद है जितने व्यूअर्स और जितने कपल खास तौर पर हमारे साथ जुड़े होंगे उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपसे मिल चुका होगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू